चलो मैं अपने गुलाब की शौक मौजूद है रील बनाकर अपना छोटा बेटा 2-3 साल का है सुना एक सही आंदे मन्ना प्यारा तेरा सर मन्ना प्यारा मेरा गम तो नक मैं पिस्ता नक मैं ना देख आहा क्या बात लड़ गए सुना दीजिए बात सुना दे तू अब का बोलया करे मैं सुना के भगवान का बोलया करूंगा दोनों मिलजुल का काम करया करेंगे तू आलू का टाका नहीं मम्मी की चड्डा अच्छा क्या बात है कौन सी क्लास में है सेकंड में हूं जी सेकंड में है हां जी अच्छा पढ़ाई में मन लगा है जी फिर ये कुकर दिमाग में भाई शायरी लिख किसने बता देता है मतलब कुकर दिमाग में ये ऐसी कि मैं शायरी बोलूं शायरी सुनाऊं शायरी बनाऊं किसने बताई है भाई मेरे पापा ने जी क्या बोला तेरे पापा तेरे मेरे पापा ने बोला भी ये शायरी और सब वीडियो बनाया कर अच्छा तेरे पहली वीडियो बनाई तूने शर्म मतलब कैमरा के सामने जुगर शर्म ही आई सीधी बनाई थी सीधी अच्छा अच्छा तो फिर दर्शक आपने जाना क्या कहना चाहोगे उनका सर ना राम राम वीडियो ने लाइक कर दियो शेयर कर दियो घंटी का बटन दबा दियो वाह लडले क्या बात है अच्छा फिर ई बग सब्सक्राइब और कर दियो सर हम पहले कौन सी शायरी लिख दी थी सर हेलो शायरी मेरे हाथ को कराइए जमा बिगन तार रखे नहीं है ओटीपी फ्री बोर कुछ कहना चाहो अदर से अच्छा बताऊं तो देख सो भाई आदि चौक के बारे गांव अपना गांव और बता दे कौन सा गांव है जी गांव अपना मुंडपुर जिला जींद तहसील उचाना राज्य हरियाणा अच्छा तो देख सो भाई छोटा बच्चा में इतनी नॉलेज है कितने साल का हो गया जी ये 7 साल का हो चुका एक बार एक बुरा नुर घुमा दे कैमरा भाई 7 साल का हो चुका आप इनके पिताजी हो कैसे जी आया ये बता रहे कि मेरे पिताजी बोले कि मैं शायरी लिखूंगी शायरी लिप सिंह बना रहा मतलब कुकर एकदम कुकर आई है कि वैसे दिमाग में देख के किसी की एक मिनट बाद बताऊँ पर एक मिनट हेलो अच्छा अच्छा कितने फ्लोर हो गए अपने अच्छा कुछ वो मतलब इनकम वगैरह वो है भाई हर मंथ अपनी तो देख सको भाई बच्चे मतलब उन्होंने कहा अगर भाई कमाने की उसकी मतलब टैलेंट होना चाहिए बंदा में कोई उम्र नहीं होती ये देख सको 6-7 साल का बच्चा है आदि और इतनी बढ़िया शायरी लिखा है मतलब अभी से मतलब ये बोल सकता हूँ भाई बच्चा पैसे कमाने लग गया आगे जाकर ही आना मतलब उन्होंने देखियो बहुत नाम चल लगा थोड़ा का चल लगा नहीं जी देख सको भाई तो राम राम कर दे राम राम जी सारा ले भाई वीडियो ने लाइक